साहब से हमने डीसी साहब को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें संदर्भ में है कि सभी मान्यता प्राप्त और अमान्यता प्राप्त स्कूलों का सभी के सामने बोर्ड लगने चाहिए कि भाई हमारे इतने ये मान्यता प्राप्त है ये नहीं है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और ये बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए ताकि जनहित के कार्य में किसी भी प्रकार को किसी को परेशानी ना हो। इसके पीछे मूल कारण क्या है कि जो आप ये डिमांड कर रहे हैं? कि इसके लिए है कि लोग जो पेरेंट्स हैं वो गुमराह रहते हैं कि पांचवी तक मान्यता प्राप्त है या सातवीं तक है लेकिन वो पढ़ा रहे हैं दसवीं और बारहवीं तक उसको, लेकिन वो उनके रोल नंबर कहीं और होते हैं और एग्जाम के समय बड़ी दिक्कतें आती हैं। आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों को उनमें भी दिक्कत आती है उनको? हाँ, उनमें भी सुना है कि 1730 रुपए पर मंथ पर महीने बच्चे गरीब बच्चों के लिए सरकार ने ये मुहैया कराए हैं। हमने डीसी साहब से और अशोक बघेल जी से निवेदन किया है कि उसकी एक हमें लिस्ट भी दी जाए ताकि हम ये सर्वे कर सके कि एक्चुअल में ये पैसा उन्हीं गरीब बच्चों को दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। क्या आश्वासन मिला सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? अभी चर्चाएं चल रही हैं और उन्होंने कहा कि हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और आगे जो भी कार्रवाई होगी सूचित करेंगे। अच्छा, जो स्कूली बसें होती हैं कईयों का इंश्योरेंस नहीं होता, पासिंग नहीं होती है और पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं होता, ड्राइवर अप्रशिक्षित होते, क्या कहेंगे इसके लिए? जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी स्कूल की बसें जो है बिना रजिस्ट्रेशन के होती हैं, बिना इंश्योरेंस नहीं होता, उनके लिए क्या कहेंगे? सरकार को कानून कार्रवाई करनी चाहिए। अभी जिनके पास लाइसेंस नहीं है अगर वो बस एक्सीडेंट हो जाती है तो फिर उसको उसका खर्चा कौन देगा? तो सरकार को चाहिए कि उनकी इंक्वायरी करें, सख्ती से निपटे इन लोगों को, चाहे वो ड्राइवर बिना लाइसेंस के हैं, चाहे वो बिना इंश्योरेंस के बस हैं, जो भी हैं उन लोगों को ये कहना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई इनकी इंश्योरेंस कराएं। सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, ये बच्चों के लाइफ का यानी जिंदगी का बहुत बड़ा वो है, रिस्क का क्या कहते हैं, खतरा है कि भाई किसी भी बच्चे को एक्सीडेंट में हानि होती है तो उसका खर्चा खर्चा कौन देगा? अच्छा, मेघश्याम शर्मा ने एक डिमांड की आपके साथ है, मौजूद है, वो ये कहते हैं कि हर स्कूल के बाद नोटिस बोर्ड होना चाहिए, उस पर लिखा रहना चाहिए मान्यता कितनी है, क्या कहेंगे? नहीं, ये मैं स्वीकार करता हूँ कि ये गलत बात है, पता तो रहना चाहिए स्कूल में यहाँ तक मानता है। जब यही पता नहीं है, आम आदमी हमारे हरियाणा के पलवल का आदमी जो इतना भूला है बेचारा, जाता है बच्चे को साथ ले जाता है दाखिल कर जाता है, अब उसको पता नहीं आठवीं तक की मानता है बारहवीं तक की मानता है, स्कूल वाले अपनी मर्जी स्कूल चला रहे और सरकार देख रही नहीं है। सरकार को भी देखना चाहिए, एजुकेशन जो भी डीईओ साहब है उनको देखना चाहिए, मैं तो इसके समर्थन में हूँ। जितने भी स्कूल हैं इनमें एक तो हरियाणा ने अपने एजुकेशन बोर्ड है, एक सीबीएसई बोर्ड है, जबकि ये गुमराह रास्ता है। हमारा हरियाणा एजुकेशन बोर्ड अच्छा है और सारी किताबें एक जैसी है, भाई दो दो चार तो चार ही होगा ना, उसमें पांच तो नहीं कर सकते आप, जब दो दो चार है तो उसमें भी चार है, उसमें भी चार है, फिर ये गुमराह क्यों? और इसके नाम पे लोगों को लूटते हैं, वो पैसा है नहीं पब्लिक पे और गुजारा नहीं होता, सारे स्कूल वाले को दे आते हैं। इससे तो अच्छा है कि हमारा जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड है उसी से बच्चों को पढ़ाए, उसी से अपना जो भी चाहे वो सरकारी स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है उसको ध्यान देना चाहिए सरकार को कि ज्यादा से ज्यादा हरियाणा शिक्षा बोर्ड अपनी तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को प्रमोट करे कि भाई हमारे स्कूलों में हरियाणा शिक्षा बोर्ड से ही पढ़ाई होनी चाहिए। हरियाणा जो बोर्ड है उसका जो फैमिली जो वो है ग्राउंड है एज इट इज, जैसे हम घर में बात करते हैं ऐसी तो स्कूल में भी वही बात कर लेते हैं बच्चे और उससे वो डिमोलाइज नहीं होते, कमजोर नहीं पड़ते, तो उसको जो है फिर उसमें फीस भी कम है, जो हम दो पैसे बचेंगे हमारे। और मैं तो ये कहूंगा कि सारे देश में एक जैसी पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे वो हरियाणा बोर्ड यूपी बोर्ड जितने भी बोर्ड हैं प्रांतों के, एक एक एजुकेशन एक शिक्षा एक बोर्ड। इससे क्या फायदा होगा कि जहां भी बच्चा अगर ट्रांसफर होता है, जैसे केंद्रीय स्कूल है कहीं भी वो आदमी ट्रांसफर हो जाते हैं वो वहीं से पढ़ाना शुरू हो जाता है, लेकिन हम अगर यहाँ पढ़ रहे हैं छह महीने के बाद किसी के पापा को जाना पड़ जाए मद्रास या यूपी में चले जाओ नजीक है हमारे, वो फर्क हो जाएगा पढ़ाई में।
बच्चा कर ही नहीं पाएगा उसको। लुटाई कर रहे हैं कि सीबीएसई के नाम पे लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे अफसर हो जाएंगे, ये इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, सारी चीज इंग्लिश से चल रही है, और आगे जाके नौवीं दसवीं के पार भी कर गए तो उनके नंबर ही नहीं आते, और नंबर नहीं आएंगे तो फिर आगे किस चीज से दाखिला नहीं मिलेगा, आगे पढ़ नहीं पाएंगे, ना इंजीनियरिंग कर पाते हैं, ना कोई डॉक्टरी का। जब नंबर ही रख दिए भाई फर्स्ट डिवीजन आने, और फर्स्ट डिवीजन आ ही नहीं रही तो कहीं बैठेंगे ही नहीं, किसी भी चांस नहीं मिलेगा उनको। मैं तो यही कहूंगा हमारी जो एजुकेशन है वो हरियाणा बोर्ड से ही चलाई जाए। जी उसका हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई में पढ़ाई तो हरियाणा बोर्ड की ही अच्छी है, लेकिन सीबीएसई में ज्यादा फीस ले रहे हैं और ज्यादा लुटाई कर रहे हैं वो, इसलिए हरियाणा बोर्ड की और नेशनलाइज ही होनी चाहिए, कहीं भी इसको शिक्षा का एक सूत्रीय कार्यक्रम चलना चाहिए। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें, और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।